सारण जिले के रिविलगंज थाना अंतर्गत भादपा गांव से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक बच्चे को कुएं फेंक कर हत्या किए जाने का मामला बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस गांव के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृत बच्चा रिविलगंज थाना क्षेत्र के भादपा निवासी 4 वर्षीय प्रियांशु कुमार बताया गया है। इस मामले में परिवार वालों का क्या आरोप है, आप भी सुने रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। क्या घटना हुई है बच्चे के साथ? बच्चे के साथ घटना हुई कि बगल की एक लड़की, छोटंसा की लड़की, वो कहा कि बच्चे को लेकर चली गई भला फुसला कर, उसको ले जाकर गांव में घुमाई, घुमा के बहुत सारा लोग देखा कि बच्चे को ले जा रही है। उसके बाद बच्चा किधर से खुजाई हुए कहीं जाकर छुपा दी। उसके बाद किस दिन ले गई थी बच्चे को? परसों कौन 11 तारीख 11 तारीख 11 तारीख को शाम को 4 और 5 के बीच में। तो आप लोग खोजबीन किए? हाँ, खोजबीन उसी समय से हो रहा था, बुझेगा ना, तो नहीं मिला ना। नहीं मिला, उससे पूछताछ भी किया गया। हाँ। थाना को सूचना दिया गया, थाना भी आई, थाना भी अपने माध्यम से पूछताछ की उससे। थाना से बरगलाई, रात भर बरगलाते रह गई कि हमको 2000 रुपया दिया है भाई, मोटरसाइकिल पर ले गया है वो काला आदमी, ये ले गया है वो ले गया, इधर ले गया उधर ही। थाना को भी मतलब उलझुल बात करते कह के बहका रही थी, बुझा गया ना। और फिर आज सुबह, आज सुबह मैंने इनार में देखा गया, थाने में आया, इनार में भी देखा, बुझा गया ना, तो कि इनार में है तो लाश उसमें मिला। इसके पहले भी इनका भगिना रविंदर सिंह का जो लड़का, ये बच्चे का नाम जो मरा है, जी बच्चे जो बच्चा मरा है उसका प्रियांशु सिंह नाम है। प्रियांशु सिंह, उम्र कितना होगा? 4 साल। 4 साल। पिता के नाम उसका? रविंदर सिंह। घर? भाकपा थाना। और बच्चे का लाश कहाँ से मिला है? वही घर के बगल से, इनार में से। घर के बगल से, इनार में से, खेत में एक इनार है सुनसान जगह में, वही इनार से मिला है। तो जो बच्ची ले गई थी बच्चा को, वो पकड़ाई भी है? हाँ, पकड़ाई हुई, थाना उसको ले ली है अपने कस्टडी में। तो थाना उसको भी ले ली है, उसके मदर को भी ले ली, उसके भाई को भी ले ली, उसके एक बहन को भी ले ली है। पूरा परिवार क्या क्या लग रहा है कि बच्चे, पूरा परिवार इन्वॉल्व है बच्चे की हत्या में ना? बच्चे की हत्या में पूरा परिवार इन्वॉल्व है। आप कौन हुए बच्चे के? हम बच्चे के फूफा लगेंगे, फूफा के माने बड़े भाई। फूफा के बड़े भाई, क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार सिंह। घर? घर नैकल होटोला थाना रिविल। ठीक है, पहले भी घटना घटा हुआ? हाँ, इससे पहले भी घटना। पहले क्या घटना हुई थी? कोई पहले घटना 22 जून 2023 की है। रविंदर सिंह की एक बहन आई हुई थी अपने मायके में, तो उसके लड़का का उम्र भी यही 4 साल था। मतलब उसी घटना की पुनरावृत्ति की गई है, इसी तरह की घटना उसके साथ उसी इनार में, समय भी वही है 4 से 5 के बीच में। तो उस समय प्राथमिकी हुई थी। हाँ। लेकिन मैंने उसके ससुराल वाले लोग मैंने कहे कि नहीं, मैंने नहीं जानते हैं, हुआ ऐसा ही हो गया। उस समय अज्ञात पर हुआ था ना? अज्ञात पर हुआ था। और फिर उसी समय पे बच्चे का, उसी समय पर घटना के समय देखा जाए, एक साल मैंने 22 जून की बात है, 23 की बात है, 14 महीने के बाद मैंने ये फिर किया गया। क्या लग रहा है ये सब कुछ? सब सुनियो हत्या। प्रियांशु की मौत कैसे हुई है? प्रियांशु की मौत कुएं में धकेला गया है, जिसका जिम्मेदार है छोटंसा का परिवार, उनका बच्ची है, उनका परिवार बीवी है ना। उसका अलावा हमको गांव का भी आदमी कोई उसमें अलर्ट है। आप बच्चे के पिता हैं? जी, हम बच्चे। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। क्या घटना लग रहा है? वो लोग पड़ोसी ही हैं? पड़ोसी है वो लोग। तो घटना कारण क्या लग रहा है? पहले से कोई पारिवारिक दुश्मनी है या कुछ? हमारे साथ तो कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर ये घटना के कारण कुछ समझ में आ रहा है? कैसे बच्चा किस दिन से गायब था? रविवार के दिन। रविवार के दिन, और आज मिला है कुएं से? जी। जो बच्ची उसको घुमाने लगी थी वो लड़की, वो करीब 13 साल का उम्र है, वो पकड़ा गई है? वो पकड़ाई है, उसका माँ पकड़ाई हुई है, उसका भाई है, वो है हिरासत में।